वेलकम टू एस एस सी प्रेपरेशन क्या आप भी स्कूलों में मल्टीटास्क वर्कर भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप भी प्रार्थना पत्र लिखना चाहते हैं तो अगर आप इस तरह से प्रार्थना पत्र लिखेंगे तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं मान लिया पंचायत सेक्रेटरी आपको दूरी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो आप इस प्रार्थना पत्र में मैंशन कर सकते हैं कि जो जिस वार्ड में स्कूल स्थित है मेरा घर भी उसी वार्ड में स्थित है तो कैसे आपने प्रार्थना पत्र लिखना है किस तरह से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं अपने प्रार्थना पत्र के साथ सारी जानकारी के लिए वीडियो आप पूरा देखें तो शुरू में आप लोग लिखेंगे सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा खंड आप यहाँ पर उस शिक्षा खंड का नाम लिखें जहाँ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पर आपका घर है आपके घर के पास जो स्कूल है पता कीजिए कि स्कूल कौन से शिक्षा खंड में आता है तो उस शिक्षा खंड का आप नाम लिखिए और यहाँ आप भरेंगे जिला जिस शिक्षा खंड में आपका स्कूल स्थित है तो जैसे आ गया सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी मान लिया राजा का तालाब एक शिक्षा खंड था जिसकी वैकेंसी अभी लिख ली थी और वो जिला कांगड़ा में था तो आप लिखेंगे सेवा में खंड शिक्षा अधिकारी राजा का तालाब शिक्षा खंड जिला कांगड़ा फिर आपने लिखना है विषय मल्टीटास्क वर्कर हेतु प्रार्थना पत्र महोदय जी यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा गांव का नाम आ जाएगा जिला का नाम आ जाएगा और तहसील का नाम आ जाएगा हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी हूँ मुझे विज्ञापन के माध्यम से पता चला है कि अब स्कूल का नाम जहाँ पर मल्टीटास्क वर्कर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं मुझे पता चला है कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला जो भी पाठशाला का नाम है राजकीय प्राथमिक स्कूल या राजकीय माध्यमिक स्कूल पूरा नाम लिखना है यहाँ पर स्कूल का जो नाम है मैं मल्टी टास्क वर्कर की भर्ती की जा रही है मैं एक निर्धन परिवार से हूँ अब आपने यहाँ ध्यान से देखना है कि आप यहाँ पर और क्या क्या ऐड कर सकते हैं मैं निर्धन परिवार से हूँ मान लिया कोई विधवा है तो वो लिख सकती है कि मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है मान लिया किसी के घर में कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करता तो वो यहाँ लिख सकता है कि मेरे घर में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है अब मान लिया पंचायत सचिव दूरी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मेरा घर भी उसी वार्ड में स्थित है जहाँ पर विद्यालय में मल्टीटास्क वर्कर की सीट खाली है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं तो ये भी एक आपका दूरी प्रमाण पत्र की तरह ही काम करेगा अब यहाँ जितना आप लिख सकते हैं कि मैं आईआरडीपी फैमिली में हूँ मैं बीपीएल फैमिली में हूँ मेरी पारिवारिक इनकम बहुत कम है या मैं अति गरीब परिस्थितियों में रहता हूँ तो यहाँ जितना आप लिख सकते हैं उतना आप लोग लिखें अपने परिवार के अनुसार आपकी स्थिति के अनुसार आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा मैंने अपने सभी योग्यता प्रमाण पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ लगा दिए हैं योग्यता प्रमाण पत्र नहीं आठवीं का सर्टिफिकेट दसवीं का सर्टिफिकेट आई आर डी पी बी पी एल ये सारे प्रमाण पत्र मेरा आपसे विनम्र निवेदन ये है कि आप मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार करें अब यहाँ लिखेंगे प्रार्थना पत्र संलग्न मीनिंग आपने अपने प्रार्थना पत्र के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच किए तो आठवीं कक्षा की मार्कशीट पाँचवीं कक्षा की मार्कशीट जितनी मार्कशीटें आप लगा सकते हैं बी पी एल का प्रमाण पत्र यहाँ पर सीरियल वाइज़ आपके पास जितने प्रमाण पत्र हैं जैसे अगर आपने भूमि दान दी है तो भूमि दान प्रमाण पत्र अगर आपका आप विधवा है तो यहाँ विधवा प्रमाण पत्र तो जितने भी प्रमाण पत्र हैं सीरियल में सारे प्रमाण पत्र के आप लोग नाम लिखेंगे आपने लिखना है निवेदक नाम किसने ये प्रार्थना पत्थर लिखा मीनिंग कौन प्रार्थना पत्थर कौन मल्टी टास्क वर्कर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है यहाँ पर उसका नाम आएगा निवेदक श्यामलाल क्योंकि श्यामलाल इस वो के लिए अप्लाई कर रहा है और यहाँ पूरा पता गांव डाकखाना तहसील पूरा पता और आगे दिनांक कौन सी दानी दिनाक को आप ये प्रार्थना पत्र जो वो खंड शिक्षा अधिकारी के पास जमा करवाएंगे और जो भी आपने यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच किए हैं आपने ये सारे सेल्फ अटेस्ट करने हैं सेल्फ अटेस्ट का मीनिंग है जैसे आपका ये एट का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर कुछ नहीं यहाँ पर नीचे आपने अपना सिग्नेचर करना है बस इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ अटेस्टेड और ये प्रार्थना पत्र है यहाँ पर आपने एक रीसेंट चाहे आपने इसको वाइट पेपर के ऊपर रखा है एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी आपने यहाँ पर ज़रूर अपना अटैच करना है वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी बताएं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग